आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आप किस तरीके से फ्री में बिटकॉइन अर्न कर सकते हैं, यानी कि 50 रुपए के बिटकॉइन आपको मिलेंगे हर एक रेफर पे अगर आप फ्री में बिटकॉइन कमाना चाहते हैं। बिटकॉइन कमाने के साथ ही आपको एक ऐसा एक्सचेंज मिल जाएगा जिससे आप बिटकॉइन या किसी भी कॉइन को सेल करके सिंपली INR इकट्ठा करके सिंपली आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल कर सकते हैं बड़े ही आसान तरीके से। लेकिन वो एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। इसमें हम जानेंगे पूरा प्रोसेस कि जो कॉइन स्विच कुबेर एप्लीकेशन है उसमें आप किस तरीके से अकाउंट बना सकते हैं, किस तरीके से रेफर करके पैसे कमा सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका अकाउंट कैसे बनाना है पूरा प्रोसेस जानेंगे। तो जैसे ही आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे आपके मोबाइल में प्ले स्टोर से सिंपली, तो कुछ इस तरीके से आपको जो फर्स्ट लुक होगा वो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल नंबर है सिंपली वो डालना है। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल के सिंपली जो तीर का निशान है उस पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे आपको OTP जाएगा। अगर OTP नहीं जाता है तो 1 मिनट के बाद आप रीसेंड भी कर सकते हैं, बट मेरी कंडीशन पे OTP मिल चुका था। अब आपको सिंपली यहाँ पे जो पिन है वो बनाना है। पिन क्या काम आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी आप ट्रांजेक्शन करोगे सिंपली तो आपको पिन की जरूरत पड़ेगी, जैसे बैंक अकाउंट ऐड करोगे कोई भी फंड, तो आप पिन अपना एक अच्छा सा पिन बना लीजिए जो भी है आपको याद रहे, सिंपल सा रहे, ज्यादा टफ भी ना रहे। आपको पिन यहाँ पे कंफर्मेशन करना है, पहले डालना फिर अगेन वही डालना है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन हो रहा है हमारा पिन, तो यहाँ पे हमारा जो अकाउंट है सिंपली वो बन चुका है फर्स्ट लुक में। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे जो नीचे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आपको क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपको KYC यहाँ पे अभी तक कंप्लीट नहीं है क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको जो बेसिक है बेसिक KYC आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। यहाँ पे आपको फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ईमेल आईडी डालना है और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपको आपकी ईमेल पे OTP जाएगा। ईमेल पे जो OTP जाएगा वो आपको यहाँ पे डाल के तीर के निशान पे आपको क्लिक कर देना है और सिंपली आपको वेट करना है। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली हो गया, नेक्स्ट करेंगे। आपको यहाँ पे पैन कार्ड वेरीफाई करना है। पैन कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि आपके हैंड में होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी इमेज या फोटो या जायरोक्स यानी कि फोटो कॉपी नहीं चलेगी, ना मोबाइल की फोटो चलेगी, आप इसका ध्यान रखें। आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। यहाँ पे मैं जो पैन कार्ड है सिंपली उसका फोटो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ, क्लियर फोटो हो, बैकग्राउंड में ज्यादा कुछ हो नहीं। उसके बाद में आपको आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो फर्स्ट हो जाएगा उसके बाद बैक का जो पैन कार्ड है वो आप अपलोड करेंगे। उसके बाद सबमिट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद में सिंपली आपको यहाँ पे देख सकते हो कि पैन कार्ड प्रोसेसिंग में चले गया। उसके बाद आपको एक आईडी प्रूफ कुछ भी ले सकते हो आप, आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी, जो आपकी इच्छा है। तो मैं यहाँ पे आधार कार्ड ले लेता हूँ। आधार कार्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे भी सेम आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड होना चाहिए। मैं कंटिन्यू करूंगा नेक्स्ट के बाद। तो यहाँ पे मैं अपना जो आधार कार्ड है उसकी फोटो लूंगा एकदम क्लियर। उसको यहाँ पे वापस से मैं अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करूंगा। उसके बाद में मुझे बैक का जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा फोटो बैक का ले लेता हूँ। उसके बाद इस पे क्लिक करूंगा व्हाइट कलर के इस डिब्बे पे। इस पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा फोटो आ जाएगा, बट अभी अच्छा फोटो नहीं आ रहा है सही से, क्योंकि मेरे PC में है मेरा ओरिजिनल जो फोटो है उसका। तो मैं ऐसा ले रहा हूँ कि ऐसा लगे कि मैंने हैंड में लिया है वापस से। आपको अपलोड कर देना है। अब आपको आपकी जो खुद की सेल्फी है, ठीक है, आप कहीं भी एक बैकग्राउंड में खड़े हो जाए जहाँ पे व्हाइट हो, नीला हो, पीला हो, काला हो, धोला हो, जैसा भी है, आप अपनी जो फोटो है वो यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद में कन्फर्म माई सेल्फी। उसके बाद में आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में। 1:42 हो चुका है, आप ऊपर देखेंगे। सो जब तक ये होता है तब तक हम बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको आपका जो बैंक अकाउंट का डिटेल है वो सिंपली यहाँ पे डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे, वापस से अकाउंट नंबर कंफर्म करेंगे, IFSC कोड डालेंगे, अकाउंट सेविंग है करंट है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने जो स्टार्टिंग में पिन बनाया था वो यहाँ डालेंगे, ऑटोमेटिकली ये लोड होगा। आपके रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी पे आपको एक मैसेज किया जाएगा, वो मैसेज आप यहाँ पे डालेंगे। अगर नहीं जाते तो आप 1 मिनट बाद अगेन रीसेंड कर सकते हैं, बट मेरी कंडीशन में क्या है कि मुझे ईमेल मिल चुका है, तो मैं ईमेल डाल के वापस से तीर के निशान पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि बैंक अकाउंट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, कि 5 मिनट के अंदर मेरा KYC हो चुका है। आप देखेंगे KYC स्टेटस बेसिक मेरा एकदम डन है, पैन डन है, और मेरा जो डॉक्यूमेंट है आईडी प्रूफ है, रेजिडेंस यानी कि मैं कहाँ रहता हूँ वो भी यहाँ पे सबमिट हो चुका है। अब आप पैसे कैसे कमाएंगे इसमें रेफर करके वो बताता हूँ आपको। बीच में जो ये इनबॉक्स मिल जाता है गिफ्ट वाला, इस पे क्लिक करेंगे।
और आप जो ऊपर देख रहे हैं इनवाइट ऑन व्हाट्सएप और शेयर पे क्लिक करके आप अपने फ्रेंड्स को रेफर कर सकते हैं। रेफर आप जैसे ही करेंगे आपको यहाँ पे रिवॉर्ड्स में जो कूपन दिख रहे हैं आप इनको स्क्रैच करेंगे और आपको सिंपली जैसे ही आप स्क्रैच करोगे आपके वॉलेट में आपको 50 रुपये मिल जाएंगे। आप उसको विदड्रॉ कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में। जितना भी आप पैसा अर्न करते हो उसको कैसे आप विदड्रॉ कर सकते हो आपके बैंक अकाउंट में, वो एक नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ एक और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मस्त रहिए।